दोस्तों जी हाँ, मैं हूँ मुकेश त्यागी। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे की तरह से पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर सेलिब्रेट किया जाएगा। आपको मालूम है, इस बार योगा दिवस की जो थीम है वो योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। बहुत ही सराहनीय है। आप सबको मालूम है कि 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयासों का ही नतीजा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी। जी हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को बीजेपी ने देश भर में भव्य तरीके से मनाने की तैयारी कर ली है। पार्टी के मुताबिक देश के 75,000 स्थानों पर इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी स्वयं मैसूर के अंदर इंटरनेशनल योगा डे मनाएंगे। आपको मालूम है, साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के जरिए पूरी दुनिया से योग दिवस को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में पहचान दिलाने के लिए आह्वान किया था। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में 175 देशों ने समर्थन दिया और महज 90 दिनों में इसको मान्यता मिल गई। जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। योग दिवस का इस बार जो थीम है, जैसे मैंने अभी बताया, योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। इसके पीछे कारण है कि बीते 2 साल से कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लोगों को शारीरिक, मानसिक और इमोशनल स्तर पर परेशानियां झेलनी पड़ी थी। अपनी दिनचर्या में योगा को जोड़कर अपने स्वास्थ्य में सुधार करना ही इसका थीम और लक्ष्य बन गया। मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी वेरी अप्रोप्रिएट थीम, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। जी हाँ, नायग्रा फॉल्स में भी योग दिवस को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सपोर्ट से यहाँ अंतर्राष्ट्रीय योग, नायग्रा फॉल्स मतलब कनाडा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जी हाँ, आपको पता है कि कल का दिन सबसे लंबा दिन है। 21 जून 2022 इज द लॉन्गेस्ट डे। दैट्स वाई 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया जाता है। जी हाँ, नेपाल में भी काफी तैयारियां चल रही हैं। योगा डे की पूर्व संध्या पर नेपाल की राजधानी काठमांडू का धराहर टावर नीली रोशनी में नहा गया। इसके जरिए उनकी मानवता के लिए योग के संदेश को फैलाने की कोशिश की है। बहुत बहुत सराहनीय है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मैसूर पैलेस ग्राउंड में योग करेंगे। इसके दौरान 15,000 से ज्यादा लोग उनके साथ योगाभ्यास करेंगे। इस इवेंट की बड़ी संख्या में इस इवेंट में फॉरेनर्स भी बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। 69 देशों ने मनाया जाएगा योग दिवस। योगा डे सेलिब्रेशन इस बार थीम, जैसे मैंने बताया, योगा फॉर ह्यूमैनिटी है। दुनिया भर में करीब 25 करोड़ लोग इस मेगा इवेंट से जुड़ेंगे। दुनिया भर के 79 कंट्रीज और संयुक्त राष्ट्र संगठन योग दिवस मनाएंगे। सूर्य की चाल के हिसाब से सुबह 3 बजे कार्यक्रम शुरू होगा और रात 10 बजे तक चलेगा। इंटरनेशनल योग दिवस का कार्यक्रम फिजी से शुरू होगा, फिर ब्रिस्बेन होते हुए सैन फ्रांसिस्को और कनाडा के टोरंटो में खत्म होगा। भारत समेत पूरी दुनिया आज 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी। 8 साल पहले इसी दिन पूरी दुनिया में हमारी योगा डे 2022 विद्या का लोहा माना था और उसे इंटरनेशनल मंच पर मान्यता दी थी। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून दुनिया भर में भव्य बनाने के लिए विदेशी मंत्रालयों में खास तैयारी की है। सुबह 3 बजे शुरू होकर प्रोग्राम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 10 बजे तक चलेगा और सूर्य की चाल के साथ योग दिवस कई देशों में मनाया जाएगा। इस भव्य
इवेंट में उम्मीद जताई जा रही है कि दुनिया भर में 25 करोड़ से ज्यादा, जैसे कि मैंने बताया, बहुत लोग इसके अंदर भाग लेने वाले हैं और ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूं और आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि इस इंटरनेशनल योगा डे को आप बहुत सफल बनाएं। तमाम 75 मंत्रियों को 75 जगह जाकर के वो योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष यशस्वी श्री नड्डा जी कल नोएडा में स्थित, वहां पर बड़ी संख्या में कल कार्यक्रम शुरू होगा। इसी प्रकार से विभिन्न मंत्री अलग अलग स्थानों पर जाकर के योगा दिवस मनाएंगे, जैसे हमारे यशस्वी नितिन गडकरी जी नागपुर में करेंगे, राजनाथ सिंह जी लखनऊ में करेंगे, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो इस प्रकार से पूरे देश के अंदर कल योगा डे का जो है शंख ध्वनि बजेगी, गूंजेगी और ये जो ऊर्जा है ये पूरे विश्व के अंदर प्रसारित की जाएगी। योगा इज द बेस्ट मीन्स ऑफ रिजुविनेटिंग योर सेल्फ, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली ऑल्सो। तो दोस्तों, ह्यूमैनिटी की खातिर अगर कोई योगा आज तक नहीं शुरू किया है तो कल आप प्रण लीजिए कि आप योगा डेली आधा घंटा करेंगे, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ब्रीदिंग, और इससे आप जानेंगे कि कितना बड़ा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एक प्रकार का ये क्रांति है। इस क्रांति को आगे बढ़ाइए। सारे लोग, विश्व के लोग क्रांति दूत हैं, योगा दूत हैं। और अगर कहते हैं प्रिवेंशन इन टाइम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू क्योर योर सेल्फ, तो देयर फॉर इट्स अ प्रिवेंटिव वेज टू एड्रेस मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ह्यूमैनिटी गोज थ्रू। बड़े बड़े टर्मिनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है योगा ने, आपको स्वस्थ बनाया है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। जी हाँ दोस्तों, आपको तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।